बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम चैप्टर कर रहे हैं जिनाज विजन ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म का ख्वाब और पाकिस्तान, चैप्टर 6। और आज हम उसमें करेंगे व्हाट इज़ डिनोटेशन। डिनोटेशन इज़ द स्ट्रेट फॉरवर्ड आर कॉमन सेंस मीनिंग ऑफ अ साइन, लिटरली व्हाट इज़ एक्चुअली शोन इन एन इमेज। किसी भी चीज़ का लिटरल मीनिंग जो है वो डिनोटेशन कहलाता है। जैसे हमें यहाँ पे रेड रोज नज़र आ रहा है तो हम इसको कहेंगे इट इज़ अ डिनोटेशन। स्नेक अ लॉन्ग लिम्बलेस रेप्टाइल विच हैज़ नो आईलिड्स। इसी तरह जैसे ये आपको स्नेक नज़र आ रहा है, द डिनोटेशन रेफर्स टू द मोस्ट बेसिक और स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ अ वर्ड। जो मोर स्पेसिफिक और बेसिक मीनिंग होते हैं उनको डिनोटेशन कहते हैं। उसके मुकाबले में कोनोटेशंस आर द फीलिंग्स और इमोशन एसोसिएटेड विद द वर्ड्स। एक लफ्ज़ के साथ एहसासात और जज्बात मुंसलिक होते हैं। इट गोज़ बियॉन्ड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड पेंट्स अ पिक्चर और इन्वोक्स अ फीलिंग। कोनोटेशन मीन्स सेकेंडरी मीनिंग ऑफ द वर्ड, इमोशंस और फीलिंग्स आर अटैच। तो जो हमारे जहन में उस लफ्ज़ को सुनते ही एक पिक्चर उभरती है उसको कोनोटेशन कहते हैं। जैसे स्नेक इज़ द रेप्टाइल स्केली और विदाउट लेग, ये इसका डिनोटेशन मीनिंग है। लेकिन कोनोटेशन ऑफ द वर्ड हाउएवर माइट इंक्लूड ट्रेचरी, ईवल और बिट्रेयल। अगर हम इसको किसी स्नेक मैन कहेंगे तो उसका मतलब होगा कि वो ईवल है बंदा, बुराई है उसके साथ, वो नुकसान पहुंचाने वाला है। इसी तरह आप एग्जांपल दे होम और हाउस, विच वर्ड कम्स लव कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। डेफिनेटली होम के साथ जो है वो लव कंफर्ट और सिक्योरिटी का तसव्वुर आता है। इसी तरह विच वर्ड्स कोनोट्स आ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, जब आप बिल्डिंग और स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फिर आपको हाउस आता है कि हाउस इज़ अ बिल्डिंग और होम इज़ अ बिल्डिंग वेयर पीपल लिव टुगेदर विद लव एंड केयर। इसी तरह जूसी और ग्रीजी, विच वर्ड हैज़ अ टेस्टियर कोनोटेशन, तो आपको डेफिनेटली जूसी इज़ मोर अप्रोप्रिएट। इसी तरह पॉजिटिव कोनोटेशन जैसे क्यूरियस, मुतजस्सस, नेगेटिव कोनोटेशन नोजी, टोल लगाने वाला। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे थिन है, थिन का मतलब होता है पतला, लंबा, दुबला, पतला। लेकिन अगर हम पॉजिटिव कोनोटेशन कहेंगे तो हम स्मार्ट कहेंगे और नेगेटिव कोनोटेशन कहेंगे तो स्किनी कहेंगे। सो चूजिंग द बेस्ट वर्ड्स, पे अटेंशन टू योर वर्ड्स, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें, ग्रो योर वोकैबलरी। आपको अपनी वोकैबलरी को बिल्ड करना है, यूज़ द पावर ऑफ कोनोटेशन। तो ऑलमोस्ट एवरी वर्ड हैज़ टू काइंड ऑफ मीनिंग, हर वर्ड के लफ्ज़ के दो मानी होते हैं। डिनोटेशन द स्ट्रेट फॉरवर्ड डिक्शनरी डेफिनेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिक्शनरी डेफिनेशन, कोनोटेशन द आइडियाज एंड फीलिंग एसोसिएटेड विद द वर्ड्स। जितनी आप अपनी वोकेबलरी बिल्ड करते जाएंगे आपकी वर्ड यूज़ करने की पावर बढ़ती जाएगी। इसी तरह द मीनिंग ऑफ इस्लाम लिटरल मीनिंग है पीस, लेकिन अगर हम कोनोटेशन पे जाएं तो इस्लाम इज़ आइडियल सिस्टम ऑफ लिविंग फॉर ऑल ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि इस्लाम हमें बाथरूम, टॉयलेट जो है मैनर से लेके सोने तक के, बिजनेस करने तक के, सियासत करने तक के भी असूल देता है। तो प्यारे बच्चों, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ें और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, हदीस पे अमल करें और छोटी छोटी दुआएं हर काम के लिए याद करें। फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम गिव वन सिमिलर मीनिंग डिनोटेशन एंड वन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोनोटेशन। अब ये जो आपके सामने लिस्ट है, अब हमने इसके पहले तो डिनोटेशन देखनी है कि इसका मीनिंग क्या होता है और फिर उसके साथ हमने नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोनोटेशन वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो फैट, जब हम कहते हैं मैन और वुमेन इज़ फैट, तो इट मीन्स ओवरवेट। उसका जितना एक आइडियल वेट होना चाहिए, उससे कोई बहुत ज़्यादा वज़न रखता हो तो हम उसको लिटरल मीनिंग फैट का ओवरवेट। लेकिन ओबीस कहते हैं हम कि वो बहुत मोटा है।
और अगर नेगेटिव कॉनोटेशन में आता है, और अगर हम पॉजिटिव कॉनोटेशन यूज़ करें तो हम उसे प्लम्प कहेंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है हमारा नटोरियस। नटोरियस फेमस टिपिकली फॉर सम बैड क्वालिटी आर डीड, कोई बंदा जो किसी अपनी बुरी वजह से मशहूर हो जाए उसको नटोरियस कहते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ नेगेटिव कॉनोटेशन, लेकिन इन फेमस हम यूज़ कर सकते हैं और वेल नोन भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमने इसको पॉजिटिव मानों में लेना हो। इन फेमस का भी मतलब है बुरी रेपुटेशन वाला। इसी तरह स्पिनस्टर, स्पिनस्टर जो है एन अनमैरिड वुमेन को कहते हैं, टिपिकली एन ओल्डर वुमेन बियॉन्ड द यूजुअल एज फॉर मैरिज। तो वर्जिन पॉजिटिव कॉनोटेशन है और ओल्ड मेड नेगेटिव कॉनोटेशन है। इसी तरह स्टर्न, स्टर्न कहते हैं अ पर्सन इज सीरियस एंड अनरिलेटिंग, तो स्टर्न में नेगेटिव कॉनोटेशन में हम उसको हार्ड हार्श कह सकते हैं और पॉजिटिव कॉनोटेशन में सीरियस। इसी तरह प्राउड, फीलिंग डीप प्लेजर आर सेटिस्फेक्शन एज द रिजल्ट ऑफ वंस ओन अचीवमेंट, और इसकी पॉजिटिव कॉनोटेशन में सुपीरियर और नेगेटिव कॉनोटेशन में एरोगेंट। नेक्स्ट वर्ड है श्रूड, इंटेलिजेंट, स्मार्ट। तो इसमें हम जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव कॉनोटेशन में वाइज और नेगेटिव कॉनोटेशन में क्लेवर। इकोनॉमिकल का मीनिंग है लो कॉस्ट, कम कीमत, और हम इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में चीप कह सकते हैं और पॉजिटिव कॉनोटेशन में इन एक्सपेंसिव। फेल मीन बी अनसक्सेसफुल, कोई बंदा कामयाब ना हो तो हम उसे अनसक्सेसफुल कहते हैं। तो नेगेटिव कॉनोटेशन में निगलेक्ट और पॉजिटिव कॉनोटेशन में हम मिस एडवेंचर का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सबक समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।